आज की हमारी टॉपिक है द सर्कल ऑफ़ विलिस जिसके अंदर की हम पढ़ेंगे उन सारी आर्टरीज़ को जो कि ब्रेन के अंदर एक सर्कल फॉर्म करती है और ब्रेन को कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई करती है तो सर्कल ऑफ़ विलिस एक ग्रुप नेटवर्क और ग्रुप ऑफ आर्टरीज है जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती है और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है सर्कल ऑफ़ विलिस की आर्टरीज़ देखने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वर्टिरल आर्टरीज और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज का फॉर्मेशन कैसे होता है हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं वो सब एटा से ऑरिजिनेट होती है तो हम अब एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिसमें कि हम जितनी भी ऊपर की आर्टरीज पढ़ेंगे उन सब का ऑरिजिनेशन लेकिन एटा से ही होगा तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एटा है वो सबसे हमारी पहली आर्टरी हो गई एंड एटा के बाद हमारी तीन ब्रांचेस निकलती है पहली ब्रांच है द ब्रेक्योसेफेलिक ट्रंक दूसरी ब्रांच है द कॉमन कैरोटेड ट्रंक एंड देन आता है आपका सबक्लेवियन ट्रंक वैक्यू ट्रंक से ही आपकी राइट क्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी बनती है तो जैसे कि हम देख सकते हैं दिस right इज योर राइट क्लेवियन आर्ट्री दिस इज योर राइट right कॉमन कैरोड देन दिस इज योर लेफ्ट सबक्वियन आर्ट्री एंड दिस इज योर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्ट्री एंड सबक्लेवन आर्ट्री से ही आपकी वर्चुअल आर्ट्री बनेगी जो कि वर्टी के थ्रू आपके ब्रेन तक जाएगी वहीं हमारी जो राइट एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटेड आर्टरी थी वो ऊपर जाके दो और आर्टरीज़ में डिवाइड हो जाएगी एक हो जाएगी आपकी एक्सटर्नल कैरोटेड आर्टरी जो कि फेस को सप्लाई करेगी एंड अदर स्ट्रक्चर्स को एंड एक हो जाएगी आपकी इंटरनल कैरोटेड आर्टरी जो कि ब्रेन तक जाके आपका सर्कल ऑफ वेलिस का फॉर्मेशन करेगी एंड यही वर्ट्यूरल आर्टरी ऊपर जाके बेसिलर आर्टरी बनाती है एंड हमारी जो कैरोटिड आर्टरी है इंटरनल वो ऊपर जाके सर्कल ऑफ विलेज का फॉर्मेशन करती है तो जैसा कि हमने देखा वर्टूरल आर्टरी ऊपर जाके बेसिलर आर्टरी बनाती है एंड बेसिलर आर्टरी से फॉर्मेशन होता है आपका राइट एंड लेफ्ट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज का वहीं हमारी जो राइट एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज थी वो फॉर्म करेगी हमारी राइट एंड लेफ्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज़ यानी कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी फॉर्मेशन करती है मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज़ का एंड ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज एंटीरियरली जाके ब्रेन के एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज का फॉर्मेशन करेगी एंड हमारी जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज़ है इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेटिंग आर्टरी रहेगी जिसका नाम है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी सिमिलरली हमारी जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी थी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी थी इनके बीच में भी एक कम्युनिकेटिंग आर्टरी होगी जिसका नाम है द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी सो दीज आर द आर्टरीज ऑफ सर्कल ऑफ़ विलिस तो दो वर्टिब्रल आर्टरीज़ ने मिलकर बनाया बेसिलर आर्टरी बेसिलर आर्टरी ने फॉर्मेशन किया हमारे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज़ का हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने फॉर्म किया हमारी मिडिल सेरेब्रल आर्टरीज एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से बन गया आपका एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज़ दो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज के बीच में होता है हमारा एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड वहीं हमारे मिडिल और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज के बीच में होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल कम्युनिकेटिंग आर्टरी या फिर पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी So that was all about the circle of Willis in under 5 minutes. I hope you liked the lecture. If you liked the lecture, please like and subscribe and please leave a comment. Thank you all.